जय हिंद स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं एम कॉम करने के कौन कौन से फ़ायदे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बी कॉम की परीक्षा पास कर चुके हैं या जो बी कॉम कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट पास कर चुके हैं जिनको लोग बताते हैं ए वाला कोर्स कर लो, ओ वाला कोर्स कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो हम आपको बता रहे हैं बी कॉम के बाद आप कोर्स कौन सा करें, अगर आपको पढ़ाई करनी है बेहतरीन तरीके से, करियर बनाना है तब। नहीं तो बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ बताते हैं, आप सुनिए, आपकी मर्जी है हमको क्या करना है। जो स्टूडेंट बी कॉम पास कर चुके हैं, हमारे हिसाब से आप करवा लें एम कॉम में एडमिशन। अगर आप एम कॉम से अच्छा कुछ कर रहे हैं, एमबीए वगैरह कर रहे हैं, तो बात अलग है। अगर आप खाली बैठे हैं या कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं या कंपटीशन देना चाहते हैं, तो आप एम कॉम जरूर कर लीजिएगा, हमारा कहना मान लीजिएगा। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, अगर आप एम कॉम कर लेते हैं तो पीजीटी परीक्षा देने के योग्य हो जाएंगे। पीजीटी परीक्षा का मतलब होता है किसी भी सरकारी स्कूल के लिए पीजी का फॉर्म आता है। पीजी का फॉर्म का मतलब पीजीटी का फॉर्म आता है राज्य सरकार की ओर से, जिसमें आप इंटर कॉलेज में पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। इंटर कॉलेज में पढ़ाने की न्यूनतम योग्यता क्या होती है? न्यूनतम योग्यता होती है पीजीटी कॉमर्स, याद रखना। अगर आप इंटर कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, और पहली प्राथमिकता, पहला फ़ायदा मैंने आपको बता दिया, पीजीटी की परीक्षा आप दे सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट कहलाएंगे। अगर आप बीकॉम के बाद बीएड कर लेंगे तो आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे। बीएड करने से टीजीटी की परीक्षा आप दे सकते हैं। टीजीटी हाई स्कूल तक पढ़ाने की योग्यता होती है, और पीजीटी का कितनी होती है? 12वीं तक पढ़ाने की योग्यता होती है। इस बात को नोटिस करिएगा, आप लोग जानकार बनिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप यदि एम कॉम कर लेते हैं तो एम कॉम में आपको नेट की परीक्षा दे सकते हैं। नेट की परीक्षा, नेट की परीक्षा जब आप देंगे तो नेट अगर आप पास कर लेते हैं तो आप डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के काबिल बन जाते हैं। एम कॉम के बाद नेट की परीक्षा पास कर लीजिए, चाहे कम अंक मिले, ज़्यादा अंक मिलेगा तो पीएचडी करने के लिए आपको फेलोशिप मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं, पीएचडी करने के लिए फेलोशिप मिलता है। अगर आपका कम नंबर आता है, मिनिमम मार्क आता है, तो आपको नेट होता है। जब आपका कट ऑफ के ऊपर मार्क आता है, ज़्यादा नंबर आ जाता है, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? पीएचडी आप कर सकते हैं, आपको जेआरएफ मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, क्या फ़ायदे हुए, तो आप सीधा नेट पास करेंगे, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के काबिल आप बन जाएंगे। इस बात को आप हमेशा नोटिस करिएगा। अगर आप वैसे भी कोचिंग वगैरह पढ़ाना चाहते हैं, बीकॉम तक की कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब आती हैं बहुत ज़्यादा, तो जिसमें आपसे केवल एमकॉम मांगा जाता है, एमकॉम के साथ साथ अगर टीचिंग का है तो वहाँ बीएड भी मांग लेते हैं, और वैसे अगर आपका एमकॉम भी है तब भी रख लेते हैं, प्राइवेट की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये आपका सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीकॉम कर लेंगे, बीकॉम के बाद एलएलबी करना शुरू कर देंगे। अगर आप एलएलबी करना शुरू कर देते हैं तब भी आपको क्या कहलाएंगे, ग्रेजुएशन होता है। एलएलबी क्या है? ग्रेजुएशन का कोर्स होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सब फ़ायदे हैं। आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, सरकारी वैकेंसी आती है बड़े पदों पर, अफसर रैंक पर, तो इन सारी चीज़ों का आपको फ़ायदा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें और जानकारी भी आप